कवि गुरु जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा नाम दिया था। हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा और एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार शोरार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। दोस्तों, मैं हूं पोषण कुमार और आप देख रहे हैं चैनल मेरी आवाज बाय पोषण। आज हम एक ऐसे साहित्यकार के विषय में जानेंगे जो केवल महान रचनाधर्मी नहीं थे, बल्कि वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के मध्य सेतु बनने का कार्य किया था। टैगोर केवल भारत के ही नहीं, समूचे विश्व के साहित्य, कला और संगीत के एक महान प्रकाश स्तंभ है, जो स्तंभ अनंत काल तक प्रकाशमान रहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने केवल 8 वर्ष की उम्र में ही अपनी पहली कविता लिखी और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहानियां और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। अपने जीवन में उन्होंने 1000 कविता अधिक गीतों की भी रचना की। रविंद्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। अंग्रेजी के तत्कालीन प्रायः सभी समीक्षकों ने यह विचार प्रकट किया था कि हम सब ने सचमुच एक युगांतकारी घटना का साक्षात्कार किया है, बल्कि कुछ विद्वानों का तो यहां तक मानना था यदि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी बड़ा कोई पुरस्कार होता, वह भी गीतांजलि के लिए गुरुदेव को प्रदान किया जाना चाहिए था। दरअसल गीतांजलि मेरी चाह यही है, मुझे सहारा ना मिले तो मेरा बल टूट ना जाए। यदि दुनिया में क्षति ही क्षति हो, वंचना आए आगे, मन मेरा रह पाए अक्षय, मेरी चाह यही है। मेरा तुम उद्धार करोगे यह मेरी प्रार्थना नहीं है। तर जाने की शक्ति मुझे हो, मेरी चाह यही है। मेरा भार अगर कम करके नहीं मुझे दे सको सांत्वना, वहन उसे कर सकूं स्वयं मैं, मेरी चाह यही है। नत शिर हो तब मुखड़ा जैसे, सुख के दिन पहचान सकूं मैं, दुख रात्रि में अखिल धरा यह, जिस दिन करे वंचना मुझसे, तुम पर मुझे न संशय हो तब, मेरी चाह यही है।